गाइस, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हो आप लोग? आई होप यू विल बी हैप्पी एंड हेल्दी। वेलकम टू माय ब्लॉग मंजीत लाइफ इज ब्यूटीफुल में आपका स्वागत है। सुबह होगी, देख सकते हो कितनी रोशनी आ रही है, धूप पूरा आ रहा है। और क्या कर रहे हो आप लोग? अब मेरी मॉर्निंग टी बन के रेडी हो रही है, तब मैं सोची थोड़ा ब्लॉग शूट कर लूं। चलिए हम मॉर्निंग टी का मजा लेते हैं। ओके, मिलते हैं थोड़ी देर में। गाइस, हमारी मॉर्निंग टी आ गई है। आइए, आज रवि जी एंजॉय कर रहे हैं, बहुत एंजॉय कर रहे हैं, पीते पीते हम खुश हो गए हैं। तो आप लोग कैसे हैं गाइस? चाय वाय पी लीजिए, सुबह उठ के चाय पियेंगे, पीते पीते टोस्ट खाएंगे और बहुत फ्रेश हो जाएंगे। आज क्या खाओगे लंच में? जो बना लो, अन्नपूर्णा भगवान का कुछ भी खा लेंगे, कुछ तो स्पेशल देखते हैं, डिसाइड करके बता देंगे क्या खाएंगे। ठीक है, चलिए हम लोग चाय पी लेते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं आज बनाने जा रही हूँ कढ़ी। कढ़ी बनाने के लिए मैंने एक बॉयल ले लिया है और इसमें मैंने 200 ग्राम लगभग दही डाल दिया है, 400 ग्राम का पैकेट आता है, बट 200 ग्राम मेरा है अभी, मैं डाल दिया है। और इसमें थोड़ा सा बेसन ऐड ऑन कर रही हूँ। मेरे को ना ज्यादा पतली चाहिए ना गाढ़ी चाहिए, तो मैं उसी अकॉर्डिंग बेसन ऐड कर रही हूँ। बेसन मैंने डाल दिया है, इसे अच्छे से मिला लेते हैं। मिला लिया है, अब इसमें मैं पानी ऐड ऑन करूंगी। पानी ऐड करके इसे अच्छे से फेंट लेंगे, चला लेंगे, ताकि अच्छे से बेसन दही में घुल जाए। देख सकते हो घुल गया है। मैं ज्यादा पानी, ज्यादा ना पतला बनाऊंगी ना ज्यादा गाढ़ा, बस मैं मीडियम में बनाऊंगी ताकि अच्छे से खाए। ये देख सकते हो मेरा बेसन और दही अच्छे से मिल चुका है। अब मैं इसे 20 मिनट रेस्ट के लिए छोड़ूंगी। 20 मिनट मैंने इसे ढक दिया है। अब मैं एक बॉइल लूंगी। अब मैंने एक बॉइल ले लिया है, बट मैं पकौड़े बनाने के लिए थोड़ा सा बेसन ले लेते हैं। मैंने बेसन ले लिया है, बेसन ले लिया है। अब इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे, पहले चला के देख लेते हैं ना, ज्यादा और पानी ना तो फिर बेसन और लग जाएगा। देखते ना, मैंने बेसन डाल के पूरा अच्छे से फेंट रही हूँ ताकि पकौड़ा अच्छे से बने। इसे भी मैं तो 20 मिनट तक रेस्ट करने देती हूँ। 20 से 25 मिनट, ताकि पकौड़े खिले खिले बने, फूले फूले। चलिए ऐड कर हो गया है। अब इसमें कुछ मसाले डालेंगे। तो सबसे पहले मैं एक चम्मच नमक डालूंगी, एक चम्मच लाल मिर्च पाउडर, नमक थोड़ा सा और हल्का सा किचन किंग, किचन किंग के बाद मैं थोड़ा सा जीरा पाउडर ऐड करूंगी। ज्यादा नहीं किया मैंने, थोड़ा थोड़ा किया है। अभी सबको अच्छे से फेंट लेते हैं, मिला लेते हैं। थोड़ा सा हल्का सा पानी बस ऐड करेंगे। अब इसमें प्याज मिर्च और आलू मैं चॉप करके डाल दूंगी। चलिए इसे 20 मिनट रेस्ट करने देते हैं। ताकि मेरा पकौड़ा खिला खिला बने। देख सकते हो मैंने पकौड़े के लिए तो बेसन खोल दिया था। अब मैं एक बड़े साइज का प्याज ले रही हूँ, 2 हरी मिर्च ले रही हूँ और 2 आलू ले रही हूँ मीडियम साइज का। अब इसे चॉप करके डाल देते हैं, चॉप कर लेती हूँ। देख सकते हो मैंने प्याज और मिर्चा को चॉप कर लिया है।
और आलू को भी चॉप कर लिया। चलिए इसे मिला लेते हैं। ये रहा मेरा बेसन, अब इसमें मैं मिला लूंगी और ये मैं आलू डाल। आलू को मैंने चॉप करके अच्छे से दो बार वॉश कर लिया है। चलिए इसे मिला लेते हैं। इससे ना चॉप किया हुआ आलू डालने से ना टेस्ट काफी अच्छा होता है। आप फ्राई कर सकते हो, अच्छा लगेगा। चलिए मिल गया, अब इसे रेस्ट करने देते हैं और उसके बाद बनाते हैं। जैसे कढ़ी बनाने के लिए मैंने कढ़ाई ले ली है और ये मैं प्याज लहसुन चॉप कर लिया, मिर्चा बारीक बारीक काट लिया। चलिए मेरा कढ़ाई मैंने ऑन कर गैस ऑन कर लिया, अब इसमें ऑयल डाल देते हैं। ऑयल डाल दिया, ऐसे गरम होने देते हैं। देख सकते हो मेरा ऑयल गरम हो गया, तो सबसे पहले मैं जीरा डालूंगी। जीरा डाल दिया मैंने, अगर आपके पास तेज पत्ता है तो ऐड कर देना, मुझे पसंद नहीं इसलिए मैं डाल रही हूँ। और चॉप किए हुए प्याज लहसुन और मिर्चा को डाल रही हूँ। ऐसे 3 से 4 मिनट तक पकाएंगे। जैसे तो मेरा 4 मिनट हो गया है और मेरा अच्छे से मसाला भुना गया है। अब इसमें मैं मसाले ऐड ऑन करूंगी, 1 चम्मच हल्दी भर के, 1-2 चम्मच धनिया पाउडर, 2 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च, क्योंकि छोटे चम्मच है ना इसलिए, 1-2 चम्मच नमक, थोड़ा सा डालेंगे, 1 चम्मच लगभग किचन किंग, लगभग 1.5 चम्मच और 1 चम्मच जीरा पाउडर डाल के मिला लेते हैं। ज्यादा नहीं, 30 सेकेंड तक के लिए कुक करना है। देख सकते हो ये मैं मसाले अच्छे से मैंने मिला लिया और गैस का फ्लेम मीडियम रखे हैं। अब मैं कढ़ी डाल लेती हूँ, दही और बेसन जो मैंने मिलाया है, और इसको करने देंगे और 15 से 20 मिनट तक इसको अच्छे से करने देंगे, क्योंकि कढ़ी जितनी कड़ेगी उतनी अच्छी बनेगी। इसमें थोड़ा सा पानी और ऐड कर लेते, देख सकते हो मैं पानी में थोड़ा सा और ऐड कर रही हूँ और इसे ढकेंगे नहीं, इसे ऐसे खुले में बनाएंगे और कढ़ी जितनी कड़ेगी उतनी अच्छी बनेगी। इसे बनने में 15 से 20 मिनट लगेगा क्योंकि कड़ेगी ना, फ्लेवर आएगा, अभी पहले अच्छे से बॉयल आएगा ना अच्छे से, तभी बन पाना, तो करने देते हैं कढ़ी को। देख रही हो 5 मिनट हुआ, कढ़ी में कलर आने लगा, देख सकते हो कलर आ चुका है। और मैं इसे अच्छे से बॉयल आने तक कुक करूंगी, बॉयल आने तक कुक होगा ना तो अच्छे से कढ़ी करेगी तो अच्छी बनेगी और खाने में भी बहुत यम्मी लगती है। वैसे मेरे हाथ का कढ़ी मेरे घर में सभी को पसंद है। चलिए इसे करने देते हैं। कढ़ी बनती मैंने दूसरे गैस में इसे ट्रांसफर कर दिया और इसमें मैंने धनिया पत्ता ऐड ऑन कर दिया, इससे काफी अच्छे पकौड़े बनते हैं। चलिए मेरा ऑयल गर्म हो गया है, अब पकौड़े छान लेते हैं। मैं अलर्ट प्रेस कर देती हूँ, देखती हूँ मेरे पकौड़े पकेंगे मत, थोड़ा अलर्ट प्रेस करना पड़ेगा ना। एक साइड हो गया, दूसरे साइड होने लगा।
देख सकते हो मेरा पकौड़ा बन गया है, काफी क्रिस्पी बना है। चलिए उसे निकाल लेते हैं। ये देखिए मेरे पकौड़े काफी क्रिस्पी बने हैं। चलिए एक फिर मैं ऐसे ही सारे पकौड़े फ्राई कर लूंगी। चलिए ये मेरे हस्बैंड ऑफिस का काम कर रहे हैं, उनको मेरे हाथ के पकौड़े बहुत पसंद है। चलिए देखते हैं उनका रिएक्शन क्या होने वाला है। ये ऑफिस का काम कर रहे हैं और इनका रिएक्शन देखते हैं। ये लीजिए, ये क्या है? आपके फेवरेट पकौड़े। अरे तुमको पता नहीं ला पकौड़ा हम खाते हैं? हाँ बहुत टेस्टी है यार, खाइए तो पहले। यम्मी प्लेट पकड़िए, कैसा लग रहा है? लजीज है यार, ये देखिए। रुकिए मैं लाइट ऑन कर देती हूँ। लजीज है यार, एक नंबर। कहाँ से तुमको पता चला कि पकौड़ी बनाना है? कड़ी बना रही थी ना, इसलिए पकौड़ी निकाल के दे दिया। आपके फेवरेट है ना। तुमको पता था कि सूखा पकौड़ी मेरे को बहुत अच्छा लगता है खाते खाते। हाँ। वाह सही में, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लग रहा है ये पकौड़ी खा के। देखो देख रहे गाइस कितना अच्छा पकौड़ी है। चाय के साथ खाओ, कड़ी में खाओ। चाय पियोगे? चाय अभी नहीं, शाम को। ठीक है चलिए आप खा लीजिए। चलिए मैं अब किचन जाती हूँ। ये देख सकते हो राइस कुकर में मेरा राइस बनते रेडी है। बस अभी पकोड़े जैसे ही हो जाएंगे मैं कड़ी में और ऐड करूंगी, उसके बाद खाएंगे। देख सो कितने खिले खिले बने हैं। चलिए इसे डाल देते हैं। देखते हैं और पकोड़े हुए थे, ये भी पकोड़े हो गए हैं। चलिए मैं कड़ी में डाल देती हूँ। गैस का फ्लेम बंद करके और इसे अच्छा से मिला लेते हैं। और इसे मिला के मैं 10 मिनट के लिए छोड़ दूंगी ताकि पकौड़ी भी अच्छे से मिल जाए और खाने में थोड़ा लजीज लगे। हाय गाइस वेलकम टू द चैनल। सो अभी हमारा लंच बन के तैयार हो गया। ये देख सकते सैलेड, कड़ी और राइस। अब ये बताएंगे कि कैसा बना है। बताऊंगा लेकिन देखने में देख रहे बहुत ही लजीज लग रहा है मेरे को, तो मैं पहला एक कड़ी लेके टेस्ट करके इसका। पकौड़ा तो अच्छा ही बना था ना जी? हाँ मैंने पकौड़ा खा के आपको दिखाया ना, अभी जो सूखा ऑफिस में काम करते आते थे ले आई थी, उसको पता है कि हमको पकौड़ा बहुत पसंद है। अब ये सब्जी में आ गया तो सब्जी के बाद देखते इसका टेस्ट कैसा है। सब्जी नहीं कड़ी। हाँ वही कड़ी। और नहीं खा लिया टेस्ट, मतलब पहले 100% था तो अब 200% हो गया, डबल अच्छा हो गया था टेस्ट। रेटिंग कितना मिलेगा? 10 है। रेटिंग तो 10 ही रहता है हमेशा, कभी हुआ तो 9 जाता है लेकिन 10 ही 10 रहता है। आपका खट्टा बना है अच्छा से? जितना खट्टा वाजिब होना चाहिए था उतना ही है। ठीक है गाइस हम खा लेते हैं, फिर शाम को मिलते हैं आपसे, कुछ मस्ती मजाक करते हैं। चलिए हम लोग लंच कर लेते हैं ना। देखते हो मैंने कड़ी कितनी अच्छे से बनाई और मेरे हस्बैंड ने कितना अच्छा मेरे बारे में बोला। ऐसा नहीं है कि मेरे हस्बैंड अच्छा, मैं सच में अच्छे बनाती हूँ। मेरे फैमिली और फ्रेंड लोग जो देख रहे होंगे मुझे, उनको अच्छे से पता है कि मैं कुकिंग में एक्सपर्ट हूँ। और मुझे बचपन से ही कुकिंग का शौक था। मैं पता है 3-4 क्लास में पढ़ती थी ना, तभी से मुझे कुकिंग का बहुत शौक था। मम्मी को किचन में खाना बनाते हुए देखती थी तो मैं भी जाती थी और देखती थी कैसे कैसे बना था। वैसे मैंने फर्स्ट टाइम रोटी बनाई थी जब मैं 2 क्लास में थी। वो कैसा एक ट्रेजडी हुआ था कि मेरी मम्मी गई हुई थी, न्यू सेशन होता है ना स्कूल का, तो बुक वुक लेने गई हुई थी। तो मुझे बहुत भूख लगी थी, मैं सो गई थी मुझे बहुत भूख लगी। तो फर्स्ट टाइम मैंने स्लेब पे चढ़ के रोटी बनाई थी और मेरा नया स्कर्ट था जल गया था। लेकिन फर्स्ट टाइम मैंने रोटी बनाया था जैसा भी बना था, लेकिन मैंने फिर बना के खाया था। उसके बाद से मुझे इंटरेस्ट आने लगा कुकिंग में। तो मैं जब भी मम्मी को बनाते हुए देखती थी या
मैं नानी घर जाती थी, मामी को बनाते हुए देखती थी, या वहाँ पे कैटरिंग का उनका बिजनेस कुक लोग को बनाते हुए देखती थी, तो मुझे बहुत अच्छा लगता था। तो वहीं से मैं धीरे धीरे सीख गई और आज देखो मैं कुकिंग में बहुत एक्सपर्ट हूँ। चलिए बहुत हो गई बातें, अब मैं लंच कर लेती हूँ, फिर मिलूंगी। ऐसे आते हो गाइस, मैंने कपड़े कितने अच्छे से फोल्ड कर लिए हैं, अब फोल्ड करने के बाद कितना अच्छा लग रहा है ना। अब मैं इसकी जगह फिर से लगा लूंगी, मतलब अपने कबर्ड में सब जहाँ पे इसका सेल्फ बना हुआ है सब में सेट कर दूंगी अच्छे से। चलिए ये देखिए, मैं टीवी देख रही हूँ, मैं बोर होती हूँ कपड़ा फोल्ड करने टाइम, तो मैं टीवी ऑन करके कपड़ा फोल्ड कर लेती हूँ। तो यह बॉक्स मैंने अपने हस्बैंड के घर का कपड़ा पहनने के लिए बनाया, जिसमें मैंने ट्रैक पैंट रखे और टी शर्ट देख सकते हो काफी सारे हैं, कम से कम ये 18 से 20 टी शर्ट है, देख सकते हो कितने सारे टी शर्ट है, पूरा भरा हुआ है। और ट्रैक पैंट है इनके पास, लेकिन ट्रैक पैंट इनके पास 6 पीस है, शॉर्ट्स घर में जो पहनते हैं 4 पीस होगा, बाहर में पहनने वाला 2 पीस होगा, बाकी ये जीन्स पहनते हैं। चलिए ये तो मैंने ऑर्गेनाइज कर दिया, और ये जो बाकी कपड़े पड़े हुए इस सबको भी ऑर्गेनाइज करना है। गाइस गुड इवनिंग, शाम हो गई है, अब हम चले इवनिंग वॉक पे, चलते हैं। चले गर्मी बहुत है आज यहाँ पे, बारिश तो यहाँ हो ही रहा है, गर्मी है ना कि दो टाइम नहाना पड़ता है, एक सुबह एक रात में। इतनी गर्मी है बताइए, बारिश ही नहीं हो रहा है यहाँ पे, तो होता है तो थाली का फूलगा, उससे क्या होगा। सबसे ज्यादा बारिश पता है हजारगंज में हो रहा है, हमारा वहाँ हमारी फैमिली रहती है ना, वो लोग बताते हैं। चलिए ग्राउंड फ्लोर आगे बाहर निकलते हैं। और बताइए आपसे क्या कर रहे हो, मैं तो बात पर निकली हूँ बात करने के लिए, नहीं तो क्या। और बात करते करते मार्केट जाएंगे, कुछ ना कुछ सामान लेना होता है ना नेक्स्ट डे बनाने के लिए। जा रहे हैं तो देख रहे हो पूरा लाइट कितना अच्छा लग रहा है ना, बहुत अच्छा, एक नंबर। चलिए हम लोग वॉक कर लेते हैं, फिर थोड़ी देर में आपसे मिलते हैं। देख सकते हम लोग वॉक करते करते इधर पूरा सोसाइटी इधर घूम रहे, देख सो बहुत दिन साहब मैंने सोसाइटी तो नहीं कर इसलिए करवाए, अच्छा लग रहा है ना। चलो आगे देखते, झूला उला झूलते होंगे बच्चे लोग, देख सकते हो बच्चे लोग खेल रहे, पैर तो बैठे हुए पीछे झूला है, कितना बच्चे लोग का खेलने का पूरा रौनक लग रहा है हमारा सोसाइटी का। वो देखिए पीछे बच्चे खेल रहे हैं, हम आगे बढ़ रहे हैं, बच्चे पूरा पार्क खेल रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, गाड़ी खेल रहे हैं, बैठ रहे हैं, इधर से हम इधर जा रहे हैं दूसरे गेट की ओर, फिर मिलते हैं आपसे थोड़ी देर। सत्य हो मैंने डिनर में पनीर की भुर्जी बनाई है और ये रोटी बनाई है, चलिए अब हम डिनर कर लेते हैं। आ गई थी बाहर से वॉक करके, मार्केट गई थी पनीर लाने, भुर्जी बनाने थी, चलिए मैंने भुर्जी तो बना ली अपने देख लिया। चलिए मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कमेंट करना ना भूले, शेयर फैमिली एंड फ्रेंड प्लीज गाइस सपोर्ट मी, मैं चैनल पे न्यू हूँ, प्लीज ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करे तभी तो मैं मोटिवेट हूँगी ना। चलिए बाय बाय, गुड नाइट, नेक्स्ट ब्लॉग में मिलते हैं।